Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS. This is the NCERT through MCQ series and today we are discussing the topic of Mahajanapadas. The NCERTs covered are these classics NCERT, Romila Thapar, Makhan Lal, R.S. Sharma and the class 12 themes in Indian history. Before starting the video, I would like to say ke I hope you are all staying home. Aap jo curfew hai uska palan kar rahe hain and you are not venturing out to see what is happening or not. These 21 days are very crucial, so be safe. First is consider the following pairs regarding Mahajanapadas and their capitals. So hume jo hamare paas Mahajanapadas hain unko unki capitals ke saath yahan pe likha gaya hai, to aapko dekhna hai ki kaun se jo options they are correctly matched. पहला है कोशला, कुशीनगर, वज्जी, वैशाली, आसमरा या आसमका, पैथन, अंग, पाटलिपुत्र एंड मत्स्य विद्धि विराटनगर. तो इसमें हमें जो है करेक्ट ऑप्शन देखने हैं. तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो गलत है एंड द थर्ड ऑप्शन द फोर्थ ऑप्शन दैट इज आल्सो रॉन्ग. जो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ है दैट इज राइट. वज्जी की वैशाली ही होती है, असमरा की पैठान है, मत्स्य की विराटनगर है. सो 2, 3 एंड 5 जो है इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. ये लिस्ट प्रोवाइड की गई है हमारे पास. अब गलत कौन से थे, कोशला की है, श्रावस्ती या अयोध्या एंड अंग जो है वो चंपा है. तो ये कोसला और अंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एक बार रीड करना पड़ेगा. देयर आर 16 महाजनपदास जिसमें जो हमारी इंडियन टेरिटरी डिवाइडेड थी, तो ये आपको याद करनी है. हम एक बार रीड कर लेते हैं कि काशी, वाराणसी, कोसला, अयोध्या, अंग, चंपा, असमारा, पैठान, अवंती, उज्जैन. एंड इसकी दो कैपिटल्स थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अवंती की एक नॉर्थ की कैपिटल थी उज्जैन एंड साउथ की कैपिटल थी महेशमती. तो महेशमती यू रिमेम्बर इन दैट बाहुबली मूवी, सो यू कैन इजीली रिमेम्बर के साउथ में महेशमती एंड नॉर्थ में उज्जैन. चेदी, सुक्तामती, गंधारा, तक्षला. तो गंधारा तक्षला यूनिवर्सिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है. कंबोज, राजपुरा, कुरु जो कुरुक्षेत्र और जो कौरव पांडव उनसे रिलेटेड है, तो कुरु, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर. उसके बाद है मत्स्य, विराटनगर, मगध, पाटलिपुत्र. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाणक्य से रिलेटेड है ये मगधा एंड पाटलिपुत्र. उसके बाद है मल्ला, कुशीनगर, पांचाल. इसमें भी दो आपके पास कैपिटल्स हैं, एक अवंती था, दूसरा है पांचाल जिसमें के दो दो कैपिटल्स हैं. तो इसमें नॉर्थ की कैपिटल थी अहिछत्र या छत्रपति एंड साउथ की थी कांपिल्ले. तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है. उसके बाद है सुरासेना, इसकी है मथुरा. वज्जी, वैशाली, वत्स, कौसंबी. नेक्स्ट, अब हमने ये लिया कहाँ से, ओल्ड एनसीईआरटी है माखनलाल की चैप्टर नंबर 13, उसमें जो ये है सारा मेंशन है इन पैराग्राफ्स में कि कौन सी जो है कहाँ से लीगी. और आप अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो उसमें ये भी लिखा है कि मॉडर्न डे का जो कौन सा एरिया है वो कवर्ड है. जैसे जो गंधार है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया को बिलोंग करता था. इवन जो कंबोज है वो भी पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है. तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ महाजनपदास इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. तो जो अभी हमारे पास करंट इंडिया है, पहले तो इंडिया बड़ा होता था, मतलब इवन पाकिस्तान का एरिया एंड अफगानिस्तान तक जो था वो इंडिया का उस टाइम का पार्ट था. तो अभी इन्होंने ये बोला है कि कौन सा महाजनपदा जो है करंट इंडिया जो है उससे बाहर है. अवंती, असमका, कुरु, कंबोज, कंबोज, गंधारा एंड मत्स्य अवंती. तो ये अभी हम गंधारा से ही देख सकते हैं कि ये इंडिया में नहीं है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड पे है. तो कंबोज एंड जो गंधारा है इट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. तो गंधारा कहाँ पे है, काबुल और रावलपिंडी के बीच में है इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी जो है वहां पे डेवलप हुआ था. तो गंधारा इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी कैपिटल उस टाइम पे तक्षशिला थी और इसके जो पुकुसती थे उस टाइम के इनके राजा थे. तो कंबोज जो है वो भी गंधार के पास ही था, जो हिंदू कुश के पास का एरिया है वो वहां पे था. एंड कंबोज का मेंशन जो है महाभारत में भी है. आप अगर महाजनपदास के नाम देखें तो काफी नाम ऐसे हैं जो महाभारत में मेंशन्ड है, जैसे कुरु हो गया और उसके बाद काफी सारे नाम हैं, हस्तिनापुर हो गया जो वहां पे मेंशन्ड है. कंबोज भी उसके अंदर मेंशन्ड है, अंग भी वहां पे. अंगराज कर्ण इज द वॉज द नेम गिवन टू दी कर्ण जो के पांच पांडवों के, देर वॉज वन मोर ब्रदर. तो इस तरीके से आपको किसी ना किसी स्टोरी के साथ अटैच करके उसको याद करना पड़ेगा.
अब ये क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी है, इसमें महाजनपद दिए हुए हैं, यहाँ पे भी दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो गांधार और तक्षशिला है और यहाँ पे कंबोज भी जो है ये अभी हमारे इंडिया से बाहर है. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महाजनपदा वज्जी. वज्जी के बारे में पूछा गया है. महाजनपदा वज्जी वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. इट वॉज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 8 गणास. और महावीरा द 24th तीरंदाज वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द गणास ऑफ वज्जी. द वज्जीज वर डिफीटेड एंड असिमिलेटेड इन द मगधन एम्पायर बाय अजात शत्रु. तो इसमें सारे स्टेटमेंट्स आपके पास सही हैं. अब यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि महावीर जो है 24th तीरंदाज सबसे इंपॉर्टेंट जो है, उनका बर्थ वज्जी के एक गण में हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये. एंड यस इट वॉज ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. तो जितने भी बड़े किंगडम्स थे वो किसी ना किसी मेजर रिवर के किनारे थे, क्योंकि वहां पे फर्टाइल लैंड होता था, वाटर अवेलेबल होता था इरीगेशन के लिए. सो इसीलिए हमेशा जो बड़े किंगडम्स है देवर अराउंड सम काइंड ऑफ रिवर. जैसे जो वज्जी है इट वॉज अराउंड गंगा. एंड 8 गणास को मिलके ये जो है महाजनपद बना है. महावीर का जन्म यहाँ पे हुआ था एंड वज्जीज को हराया था बाद में. और जो मगधन एम्पायर में अजात शत्रु थे उन्होंने फिर मगधन एम्पायर के अंदर ही वज्जीज को ले लिया था. मगध एम्पायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद 16 में से. तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसमें करेक्ट आंसर है. तो वज्जीज जो थे ये एक रिपब्लिकन स्टेट था, ये भी आपको याद रखना है. और ये पीरियड ऑफ बुद्धा था उस टाइम पे, और नॉर्थ साइड ऑफ गंगा पे था ये. और गंगा के नॉर्थ में था वज्जी, साउथ में था मगध. तो मगध वालों ने ही फिर बाद में हरा के वज्जीज को जो है अपने अंडर कर दिया था. वज्जीज में 8 गण थे जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था लिच्छवीज थे. इन लिच्छवीज को हम अस्ताकुलिका भी बोलते होते थे, 8 फैमिलीज भी बोलते होते थे. एंड जो महावीर जो है वो इन्हीं फैमिलीज में पैदा हुए थे, जनात्रिका जो है उसमें पैदा हुए थे. और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा लिच्छवीज अंडर द लीडरशिप ऑफ चेतका वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट गणा इन दी वज्जी संघ. तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वज्जी जो है इसके जो गण है ये बुद्धिज्म और जैनिज्म से काफी ज्यादा रिलेटेड है. अब ये लिया कहाँ से गया है, ओल्ड एनसीईआरटी माखनलाल के चैप्टर नंबर 13 में से. यहाँ पे पूरा जो है डिटेल आपको प्रोवाइड किया गया है. तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें. अब एमसीक्यूज करने का तभी फायदा है इफ यू आर रीडिंग दी एनसीईआरटीज ऑल्सो. आप और डिटेल देख सकते हैं, तभी 3-4 बार एक ही चीज पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा. ठीक है, ये यहाँ पे मैप भी दिया गया है कि कहाँ पे कौन से किंगडम है जो महाजनपद है, क्योंकि जब आप विजुअल एड होता है तो इट इज इजी. कुरु है, ये पूरा महाभारत वाला एरिया है. पंचाल था जो द्रौपदी थी, शी वॉज दी प्रिंसेस ऑफ पंचाल. ठीक है, अंग था वेयर दी कर्ण बिलोंग. ठीक है, तो अब याद कर सकते हैं. यहाँ पे ये सब नहीं लिखा बट इट इज द वे यू कैन रिमेम्बर. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी महाजनपद मगध. मगध द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वॉज मगध. तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिच आयरन डिपॉजिट विच वर यूज इन दी मेकिंग वेपन्स. तो वहां पे क्या आयरन अवेलेबल था जिससे वो वेपन्स बना सकते थे. इट इज लोकेटेड एट लोकेशन एट द रिच एंड फर्टाइल गंजेटिक प्लेन्स. ये तो हमने अभी डिस्कस किया था कि साउथ ऑफ गंगा में है महाजनपद मगध है. थर्ड, यूज ऑफ एलिफेंट्स इन मिलिट्री वॉरफेयर अगेंस्ट इट नेबर्स. क्या इन्होंने एलिफेंट्स जो है वो मिलिट्री वॉरफेयर में यूज करते थे. तो इसमें जब पूछा गया कि मगध के बारे में आपको महाजनपदा के बारे में, तो फर्स्ट इज राइट, रिच डिपॉजिट्स थे इनके पास जिसके कारण आयरन डिपॉजिट्स होने के कारण इनके लिए वेपन्स बनाना इजी हो गया था. सेकंड, हम डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ ऑफ गंगा में हमारे पास मगध था, नॉर्थ में हमारे पास वज्जी था. थर्ड इज ऑल्सो राइट, इन्होंने तो अफवाहें फैला रखी थी कि हमारे पास 5,000 से ज्यादा हाथी हैं. जब अलेक्जेंडर आए थे ही ऑल्सो केम टू नो कि मगध में दे हैव एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस एंड एवरीथिंग. ऑल्दो इट इज नेवर प्रूवन कि उनके पास 5,000 हाथी थे, बट इट इज नोन कि दे यूज टू यूज एलिफेंट्स इन द मिलिट्री वॉरफेयर. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. सोल्यूशन डी के सारे ठीक हैं इसमें. मगधा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा. 200 साल तक मगध वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. काफी जो रिवर्स हैं मेन सबसे था गंगा फ्लो करता था. इवन जो सोन नदी है वो भी मगध एम्पायर से फ्लो करती थी. अब नदियों से क्या फायदा था, आपको वाटर मिल रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, आपका लैंड है जो वो फर्टाइल है. तो इसीलिए मगध जो है इतना प्रॉस्परस हो पाया था. और काफी वहां पे फॉरेस्ट भी अवेलेबल थे, वहीं पे एलिफेंट्स थे, उन्हें फिर ये कैप्चर करके
ट्रेन किया करते थे, तो वुड भी अवेलेबल था फॉरेस्ट में जिससे वो घर बना सकते थे, रथ बना सकते थे, आयरन भी अवेलेबल था, तो मतलब जो भी परफेक्ट जो हो सकता है एरिया अवेलेबल था मगध एम्पायर को, जो करंट वहां पे पटना बिहार वाला एरिया है वो मगध वहां पे इस्टेब्लिश था, राजगृह है बिहार के अंदर वो मगध की कैपिटल रहा था, बाद में फिर पाटलिपुत्र जो है वो मगध की कैपिटल कर दी गई थी, पहले राजगृह थी फिर पाटलिपुत्र, अभी पटना का नाम भी बार बार बोल रहे हैं कि पाटलिपुत्र करना चाहिए, एंड सो दिस इज द फैक्ट। अब ये लिया कहाँ से गया, चैप्टर सिक्स है क्लास सिक्स की एनसीईआरटी में से, वहां से पूरा मगध एम्पायर आपको ये अच्छे से करना है क्योंकि इट वॉज द मोस्ट पावरफुल एट दैट टाइम, और ये भी याद रखना है कि दो जो इंपॉर्टेंट रिवर्स थे वहां से फ्लो करते थे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास वर एसोसिएटेड विद द रिवर गंगा, तो यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मगध एंड वज्जी जो है वो गंगा रिवर से एसोसिएटेड थे, गंगा के आसपास ये जो मेन रिवर्स हैं आपके पास फ्लो वहां से करता था गंगा, तो कंबोज एंड गंधारा जो थे ये कहाँ पे है, अब ये हम पहले डिस्कस कर चुके किसी नदी के किनारे ही थे, तो कंबोज एंड गांधार ऊपर है जहां पे अभी पाकिस्तान वाली साइड, वहां पे कौन सा रिवर होएगा, इंदस, सो ये है अस्माका, ये था ऑन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, सुरासेना था यमुना के पास, तो आप इसको ना मैप पे मार्क करेंगे तो वो सबसे सही तरीका रहेगा इसको याद करने का। वड्डी हम कर चुके हैं कि गंगा थी और जो अवंती है वो नर्मदा रिवर पे था, तो अवंती भी नर्मदा पे है, अस्मका भी नर्मदा पे है, एंड वज्जीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धा एंड दे वर सेटल ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द गंगा वाइल मगधा ऑन द साउथ। तो ये सब जब कि एनसीईआरटी में दे रखा है माखनलाल के अंदर ही, ये पूरा पैराग्राफ है जो इसमें यही सब मेंशन है कि रिवर्स हैं कौन सा कहां पे, और ये आपको ये मैप जरूर याद रखिए, इफ यू लुक एट द मैप तो आपको इजीली याद रह जाएगा कि कौन सा, आपको ये असाका साउथ में है, ठीक है, अवंती यहाँ पे है और यहाँ पे गंगा है यमुना है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, यहाँ पे इंदस है देखिए और यहाँ पे कंबोज और गांधार है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास वर डिस्क्राइब्ड इन पाणिनिस अष्टाध्याय बाय द टाइम ऑफ द सिक्स्थ सेंचुरी, तो पाणिनि के अष्टाध्याय के अंदर कौन से महाजनपदास हैं जिन्हें डिस्क्राइब किया गया है, तो लेटर वेदिक में भी काफी जो जनपद हैं उनका मेंशन है, लेकिन बाद में पाणिनि जब आए हैं सिक्स सेंचुरी में तब उन्होंने मेनली जो तीन सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थे, तो आपको मैंने पहले बताया सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आप अगर वही चीज याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट मगध था, तो आपने ये भी एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट कर दिया, तो मगधा कोसला एंड वत्स ये तीनों जो है मेंशन है पाणिनि के अष्टाध्याय के अंदर जो महाजनपद हैं। लेटर वेदिक में हमने सुनना शुरू कर दिया था कि महाजनपद और जनपद बनने शुरू हो गए हैं, नौ जो जनपद हैं उनके नाम वेदिक लिटरेचर में आते हैं, इसके अलावा कुछ पीपल हैं जैसे कि आंद्रास पुलिंदास सबरास पुंदारास ये सब हमें सुनने को मिलता है, लेकिन सिक्स सेंचुरी में जब पाणिनि ने अपना अष्टाध्याय लिखा है उनके जो राइटिंग्स हैं अष्टाध्याय उन्होंने उसमें उन्होंने 22 डिफरेंट जनपद जो हैं जिन्हें मेंशन किया गया है, जिसमें से मगधा कोसला एंड वत्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, ये भी हमारी ओल्ड एनसीईआरटी माखनलाल में से लिया गया है चैप्टर नंबर 13 में से, तो यहाँ पे सब मेंशन है कि कौन से उस टाइम पे जो दिए गए थे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महाजनपद वत्स, इट वॉज लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ नर्मदा, द वत्सास वर अ कुरु क्लैन हु हैड शिफ्टेड फ्रॉम हस्तिनापुर एंड सेटल डाउन एट कौसंबी, इट हैड अ मड फोर्टिफिकेशन एंड कैन बी गैदर्ड फ्रॉम द एक्सकवेशन, तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो पहला जो स्टेटमेंट है महाजनपदा वत्स के रिगार्डिंग वो गलत है, क्योंकि नर्मदा जो है अभी करंट जो अलाहाबाद वाला एरिया है वहां पे तो गंगा यमुना रिवर है वहां पे, तो जो उसका कन्फ्लुएंस था जहां पे गंगा यमुना का वहां पे वत्स जो महाजनपद है वो पाया जाता था, नर्मदा नहीं है, एंड दूसरा बिल्कुल सही है वत्स जो थे कुरु क्लैन का ही पार्ट थे जो बाद में हस्तिनापुर से कौसंबी में शिफ्ट हो गए थे। थर्ड इज ऑल्सो राइट, मड फोर्टिफिकेशन है वहां पे पाए जाते हैं जो कि हमें एक्सकवेशन से पता लगा है, एंड सो वन ओनली जो है वही यहाँ पे इनकरेक्ट है, मड फोर्टिफिकेशन थे ये हमने देख लिया,
Kausambi was chosen because of its location near the confluence of Ganga and Yamuna. तो जहाँ पे river है वहीं पे हम settle हो रहे हैं. अभी current यहाँ पे अलाहाबाद वाला जो area है, मिर्जापुर वाला जो area है, वहाँ पे बस जो area है वो है और वो कुरु clan को belong करते थे, जो हस्तिनापुर से फिर कौसम्बी में shift हो गए थे. ये आपकी आर एस शर्मा old NCERT में से question लिया गया है. Next is in which of the following rulers inscription Lumbini birthplace of Lord Buddha is mentioned. तो कौन से इसमें से ruler है जिनकी inscription है Lumbini birthplace of Lord Buddha जो है वो mentioned है. तो इसका आंसर हमारे पास है सी अशोका. अशोका की इंस्क्रिप्शन में जो है लॉर्ड बुद्धा की जो प्लेस है लुम्बिनी वो मेंशन है. तो कोशाला जो है इंक्लूडेड द ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी ऑफ शाक्यास ऑफ कपिला वस्तु. द कैपिटल ऑफ कपिला वस्तु हैज बीन आइडेंटिफाइड विद पिपराहा इन द बस्ती डिस्ट्रिक्ट. हैबिटेशन एट पिपराहा इज नॉट अर्लियर देन द 500 BC. अब जो लुम्बिनी है वो 15 किलोमीटर के डिस्ट्रिक्ट से है फ्रॉम पिपराहा एंड ये शाक्यास की कैपिटल भी होता था जो लुम्बिनी है. यहाँ पे एक अशोकन इंस्क्रिप्शन है. इन एन अशोकन इंस्क्रिप्शन इसे गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस बोला गया है और यहीं पे बोला गया है कि ही वॉज ब्रॉट अप. तो इट इज इंपॉर्टेंट, अशोक हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद बुद्धा. तो उन्हीं की इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि जो लुम्बिनी है वो बर्थ प्लेस है गौतम बुद्धा का एंड ये नेपाल में जो है वहां पे पाया जाता है, जो करंट अभी नेपाल है वहां पे लुम्बिनी पाया जाता है. ये हमने लिया है आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 से. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म प्रोवाइड्स द नेम ऑफ 6 महाजनपदास. तो हम बोलते हैं कि 16 महाजनपद है, तो बुद्धिज्म का कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो 16 महाजनपद है उनका नाम प्रोवाइड करता है. तो इसमें जो हमारे पास सही आंसर है वो है अंगुत्र निकाया. तो यहाँ पे 16 महाजनपदों के नाम क्लियर हैं. बोला था मैंने आपको ये भी है पहले कि पाणिनि के टाइम पे 22 अलग अलग डिफरेंट जनपद मेंशन है, लेकिन जो क्लियरली मेंशन है वो हमारे पास है अंगुत्र निकाया कि जब बुद्धा के टाइम पे कौन से 16 महाजनपद थे. तो क्लियरली किसमें मेंशन है, अंगुत्र निकाया के अंदर, के कौन से 16 महाजनपद थे बुद्धा के टाइम पर. ये भी हमने माखनलाल ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 में से लिया है. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट महाजनपदास रूलर्स इम्पोज्ड टैक्सेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप. एशियन हिस्ट्री में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में महाजनपद के टाइम पे जो टैक्सेशन है वो किस ग्रुप पे किया जाता था. तो इसमें आंसर है हमारे पास सी कि गुड्स पे भी, क्रॉप्स पे भी, हर्डर्स पे भी, हंटर गैदरर्स, क्राफ्ट पर्सन, हर एक पे जो है तब टैक्स लगना शुरू हो गया. क्योंकि महाजनपदास के टाइम पे फोर्ट कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी एंड बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होती थी. तो अब जो ओकेजनली गिफ्ट देते थे या रॉयल फैमिलीज को गिफ्ट आते थे बाहर से, उससे काम नहीं चलता था. तो फिर इसीलिए ज्यादा पैसे इकट्ठे करने थे तो फिर हम इन्होंने सब पे ही जो है टैक्स लगाना शुरू कर दिया. तो गुड्स, क्रॉप्स, हर्डर्स, हंटर गैदरर्स, क्राफ्ट पर्सन सब पे लगता था. एंड सबसे ज्यादा जो टैक्स आता था वो फार्मर से आता था क्योंकि हर कोई उस टाइम पे बेसिकली फार्मर ही होता था. तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है आपके पास. तो एक्सप्लेनेशन यही है इसका कि ह्यूज फोर्ट्स बनाने थे, आर्मीज मेंटेन करनी थी, रिसोर्सेस चाहिए थे, इसलिए फिर टैक्सेशन जो है वो काफी प्रेवलेंट हो गया था उस टाइम पे. ये हमने लिया है क्लास 6 की एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 6. अब 11th कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महाजनपदास. सो हियर वी नीड टू कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महाजनपदास. First, the people of Mahajanapadas made earthen pots in which one special type is painted graveware. तो क्या उस टाइम पे earthen pots थे जिसमें से painted graveware भी था, क्योंकि वैदिक वीडियोस में हमने किया था कि लेटर वैदिक में we had painted graveware. Second, the new rajas now began maintaining armies who were paid regular salaries using punched marked coins. तो क्या उन्हें जो payment है, राजा जो armies की payment करते थे वो punched marked coins के accordingly होती थी. And third, the agricultural practices by people use of iron plowshare was discussed. तो was increased. तो क्या agriculture में plow जो है, iron plow का use जो है वो increase हो गया था. तो इस type के question आना is very probable. इसी type के questions जो आपको पूछे जा सकते हैं. तो इसमें सारी statements आपके पास सही हैं
के अर्दन पॉट्स उस टाइम पे बनते थे और पेंटेड ग्रेवियर भी तब उस टाइम पे अवेलेबल था जब महाजनपदास थे और आर्मीज को कॉइन्स दिए जाते थे सैलरी के तौर पर, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स देने शुरू कर दिए थे. एंड यस, एग्रीकल्चर में भी है डेवलपमेंट हुआ था. वुड की से अब हम आयरन जो प्लो है वो ज्यादा यूज होना शुरू हो गया था. सो डी ऑल ऑफ दी अबव दी करेक्ट आंसर्स. काफी एक्सवर्गवेशंस हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने किए हैं जनपदास में, जहां पे हमें अर्दन पॉट्स मिले हैं, कुछ ग्रे हैं, कुछ रेड हैं और सबसे स्पेशल है पेंटेड ग्रेवियर का. तो अगर आपको मेंटल इमेज रखना है तो ट्राई कीजिए कि यू सी अ पिक्चर ऑफ द थिंग्स, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है. अब आर्मीज भी बड़ी मेंटेन होने लग गई थी तो आर्मीज को रेगुलर सैलरीज दी जाती थी एंड उन्हें पंच्ड मार्क कॉइंस जो है वो दिए जाने लगे थे और आयरन प्लो यूज करने शुरू कर दिए थे एंड पैडी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो भी शुरू हो गया था. तो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ये अब हमने न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6 की चैप्टर 6 है वहां से ये लिया गया है, तीन चार अलग अलग पेजेस से. तो आप जरूर पढ़िया कीजिए एनसीईआरटीज एंड फिर यू ट्राई दीज अगेन, आपको पता लगेगा आपके कहां क्या मिस कर रहे हैं कि ये भी क्या पूछा जा सकता है या नहीं. तो अब ये आज के क्वेश्चन से, नेक्स्ट लेक्चर में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म डिस्कस करेंगे. तो आपको ये जरूर अब आपने ये पढ़ के आना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है एमसीक्यूज ऐसे करने का. तो बुद्धिज्म जैनिज्म हम अगले लेक्चर में करेंगे. तो आपको ये चैप्टर पढ़ के आना है, क्लास 6th की चैप्टर 7-10 रोमिला थापर की, क्लास 6th चैप्टर 4 माखनलाल, चैप्टर 12 आर एस शर्मा. तो आपके पास पूरी नहीं भी है तो आप इनमें से एटलीस्ट एक तो न्यू या ओल्ड में से कोई तो होगी वो पढ़िए. अगर आपको सारी पढ़ना है आप चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आराम से जो है डाउनलोड इसे कर सकते हैं. सो दीज वर द लेक्चर्स फॉर टुडे. कीप ऑन रिवाइजिंग एंड बी सेफ.